एक बड़ी खबर आ रही है आपसे, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। एक बहुत बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। गिरफ्तारी और रिमांड से राहत नहीं दिल्ली है दी है दिल्ली हाईकोर्ट ने। दिल्ली हाईकोर्ट में अब 3 अप्रैल को फिर इस मामले में सुनवाई होगी। केजरीवाल की रिमांड के खिलाफ वहां अरविंद केजरीवाल की तरफ से वहां पर याचिका दी गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए, जिस राहत के उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और वह कहा गया था उनकी गिरफ्तारी जो है वो गलत तरीके से हुई है, साथ में उनको रिमांड पे भेजा गया वो गैर कानूनी है। इस मामले को मैं तुरंत रिहाई की मांग की थी कि इस पर कोर्ट सुनवाई करे, लेकिन आप देखिए इसमें कोर्ट की तरफ से फैसला आया, उसमें अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। और साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया है कि इस मामले में ईडी जो है अपना 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करे और इस मामले में सुनवाई जो है अब 3 अप्रैल को होगी। यानी कि जो फौरी राहत की उम्मीद कर अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका दी गई दिल्ली हाईकोर्ट में, उन्हें उसमें कोई राहत नहीं मिली है। यहाँ पर कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और देखिए सुनवाई की शुरुआत से ही ईडी की तरफ से जो एसपी राजू पेश हुए थे वो यही कह रहे थे कि इस मामले में विस्तृत जवाब देना चाहते हैं, इसके लिए उनको समय दिया जाए। यहाँ पर समय दे दिया गया ईडी को। ठीक है, अनुराग ढांडा हमारे साथ है। अनुराग, राहत नहीं मिली आपके नेता को, कोई रिएक्शन छोटा सा? देखिए, मुझे लगता है कि कल रिमांड की अवधि खत्म हो रही है तो कल कोर्ट में हम अपनी बात रखेंगे। ये तो हम इसलिए गए थे कि गिरफ्तारी जो हुई है वो सही तरीके से नहीं हुई है और कोर्ट ने नोटिस दिया है, ईडी अपना जवाब सबमिट करेगी उसको लेकर के। लेकिन हम यही तो कहना चाहते हैं कि ईडी देखिए अब कैवियट लगाती है अपने, उनके वकील जाके कहते हैं नहीं नहीं हमारी बात पहले सुनिए, लेकिन जब मुख्य अभियुक्त जो रेड्डी साहब है जब उन्होंने ईडी में उन्होंने अर्जी लगाई जमानत की तो ईडी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ईडी ने कहा जमानत दे दीजिए क्योंकि वसूली का पैसा पहुंच चुका था, क्योंकि वसूली का पैसा बीजेपी के अकाउंट में पहुंच चुका था, इसलिए उनकी बेल के ऊपर ईडी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है। हमारी कोई भी अर्जी हम कोर्ट के अंदर लगाएं, ईडी ऐसा करेगी मानो दुनिया। प्रेम शुक्ला जी, जवाब इसका। प्रेम शुक्ला जी, एक और आरोप आपके ऊपर। ओके जी, प्रेम शुक्ला जी, ईडी थोड़ी जो लुटेरे और भ्रष्टाचारी देश को भिखारी कह रहे हैं, एक तो पहले मुझे इस पर आपत्ति है, जो लुटेरे और भ्रष्टाचारी हैं वो देश को भिखारी। अब मुझे, अरे प्रेम शुक्ला जी ईडी चलाते हैं, नहीं बोलने दीजिए, प्रेम जी को बोलने दीजिए, अनुराग जी प्रेम जी को बोलने दीजिए, ये गलत है। अनुराग जी प्रेम जी को बोलने दीजिए, जो लुटेरे और भ्रष्टाचारी देश को भिखारी कहने का दुस्साहस न करे, एक बात। दूसरी बात, शरद रेड्डी जो है उसने रिश्वत दी थी केजरीवाल को, इसीलिए आप बार बार साफ कह रहे हैं। तो आपने शरद रेड्डी से रिश्वत ली थी, हमने शरद रेड्डी से 1 रुपया नहीं लिया है, 1 रुपया नहीं लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन बिल्कुल 1 रुपया नहीं लिया है, 1 रुपया नहीं लिया है। जो भिखारी है, जो लुटेरा है, वो केजरीवाल रुके ₹1,400 करोड़ तो साफ तौर पर। प्रेम जी से एक सवाल लेता हूँ, प्रेम जी मेरा एक सवाल सुनिए, प्रेम जी समय कम है, प्रेम जी मेरा एक सवाल सुनिए, प्रेम जी, प्रेम जी वो क्या कह रहे हैं? एक मिनट अनुराग ढांडा रुके ना, अनुराग ढांडा आप ही का सवाल है, रुके ना, आप ही से जुड़ा हुआ सवाल है, अनुराग ढांडा रुके रुके। प्रेम जी ये क्या कह रहे हैं विपक्ष के लोग? विपक्ष लोग कह रहे हैं कि जिसको आप ईडी गिरफ्तार करती है मेरी शराफत का गलत फायदा उठा रहे हैं। नहीं नहीं प्रेम जी आप ही बोलिए, प्रेम जी ये क्या कह रहे हैं कि जिसको ईडी गिरफ्तार करती है भ्रष्टाचार के मामलों में, वो जब आपके विरोधियों के खिलाफ अप्रूवर बन जाता है तो फिर ईडी उसकी जमानत का विरोध नहीं करती, उसको जमानत मिल जाती है, बाकी किसी को जमानत नहीं मिलती। ये इनकी जहालत का जो है सर्टिफिकेट है भाई। किसी को अप्रूवर बनाने का निर्णय कोर्ट लेता है जी, कोर्ट अगर किसी को अप्रूवर बनाएगा तो उसकी मेरिट चेक करेगा कि नहीं चेक करेगा। तो अब इनको रिश्वत जिसने दी थी वही अप्रूवर बन सकता है, तो रिश्वत इन्होंने ली थी, ये प्रूव हो गया और वो अप्रूवर बन गया, तो इसमें कोर्ट को, कोर्ट अगर किसी को जमानत देता तो भाजपा उसके लिए। ठीक है, समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया सर। ओके ओके, समय खत्म हो चुका है भाई, समय खत्म हो चुका है, प्रेम जी समय खत्म हो चुका है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देखिए बड़ी खबर आ गई तो इस पर हमें आना पड़ा, बहुत शुक्रिया आप सभी का। अड़ी में यहाँ पर एक